कौन सा नक पहनू मैं, कौन सा मोती पहनू मैं, कौन सा पुखराज पहनू मैं, कौन सा नीलम पहनू, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला ढलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो, 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे, क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर, हाथ कितने इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर होना चाहिए, जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे, जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो, सूर्य का दर्शन जल में से। 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा।